तो आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाला है अर्थिंग क्या होता है और घर पे हमारा किस तरीके से अर्थिंग करना चाहिए और अर्थिंग का क्या फायदा है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा अर्थिंग करना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा आदमी क्या करता है, अर्थिंग करता नहीं है। तो आज मैं आप लोग को अर्थिंग का बहुत सारा फायदा बताऊंगा। तो पहले आप लोग को जो हमारा अर्थिंग होता है, अर्थिंग में हमारा कौन सा वायर यूज होता है वो भी मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। जैसा कि हमारा अर्थिंग के लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड कलर होता है, वो हमारे के ग्रीन और येलो कलर का हमारा वायर हम लोग अर्थिंग के लिए यूज करता हूँ। और अर्थिंग करने के लिए आपको चारकोल और नमक चाहिए। तो वो क्या होता है, अर्थिंग किस तरीके से करना चाहिए वो मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इसका वीडियो तो हमारे चैनल पे है, किस तरीके से करना है मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूँ। एक हमारा क्या है, रॉड अर्थिंग होता है, एक हमारा रॉड अर्थिंग होता है, एक हमारा क्या है पाइप अर्थिंग होता है, और एक हमारा क्या है प्लेट अर्थिंग होता है। तीन टाइप का हमारा अर्थिंग हम लोग किया जाता है। जो हमारा रॉड अर्थिंग है ये हमारे क्या घर पे काम करने के लिए हम लोग यूज कर सकता है, पाइप अर्थिंग भी यूज कर सकता है, लेकिन जो हमारा प्लेट अर्थिंग है ये हम लोग इंडस्ट्रियल, नहीं तो हमारा जो प्लांट रहता है इंडस्ट्रियल में, जो हमारा प्लेट अर्थिंग है वो हमारा इंडस्ट्रियल में हम लोग यूज करता हूँ। तो आप लोग को घर के लिए ये जो हमारा रॉड अर्थिंग नहीं तो हमारा जो पाइप अर्थिंग है, दोनों से आपको करना पड़ेगा। तो अर्थिंग किसके लिए जरूरी है और अर्थिंग हमारा कहाँ पे लगा रहता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग घर पे देखा होगा, इस तरीके से जो हमारा सॉकेट है, ये हमारा एक 5 पिन वाला सॉकेट है। तो ये हमारा क्या 5 पिन वाला सॉकेट है। तो सॉकेट में आप लोग देखा है, इसपे हमारा इस साइड में हमारा 2 होल रहता है, इस साइड इधर भी हमारा 2 होल रहता है और इधर भी हमारा 1 होल रहता है। तो एक होल आप लोग देखने के लिए मिलेगा, एक होल हमारा क्या बड़ा रहता है, वो किसके लिए रहता है, इसमें ही हमारा क्या अर्थिंग का हमको हमारा क्या अर्थिंग का कनेक्शन करना पड़ता है। और एक हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है और एक हमारा लाइन रहता है। तो लाइन और न्यूट्रल में हमारा कोई भी इक्विपमेंट हमको चलाना है, मान लीजिए आपको लैंप चलाना है, तो आपको फेज और न्यूट्रल का जरूरत होता है एक इक्विपमेंट को चलाने के लिए। मतलब लाइन उसका साथ आपको न्यूट्रल मिल जाएगा तो आपका जो लैंप है वो आपका चलेगा। तो ये आपका एक साइड में आपका एल लिखा रहेगा, एक साइड में आपका एल लिखा रहेगा, और ऊपर वाला जो दिख रहा है ये हमारा होल जो है वो भी बड़ा होता है ये दोनों से, क्योंकि ये भी एक का रीजन होता है, क्योंकि ये बड़ा रहता है आपको आसानी से पता चल जाएगा ये हमारा अर्थिंग का पिन है। इसमें आप कनेक्शन किया है, इसमें आप अर्थिंग का वायर कनेक्शन नहीं किया, उसमें आपका क्या नुकसान होगा। मान लीजिए आप देखा है जो हमारा आयरन प्रेस होता है, नहीं तो हमारा जो फ्रिज होता है, और हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट होता है जो कि हमारा मेटल बॉडी से बना रहता है, जो कि हमारा फैन रहता है, तो उसमें क्या होता है हमारा फेज और हमारा जो न्यूट्रल होता है उसमें से हमारा क्या होता है, जो हमारा फैन है वो हमारा चलता है फेज और न्यूट्रल मिलने से। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ये जो हमारा फेज लाइन है, फेज लाइन हमारा क्या लूज कनेक्शन हो गया, नहीं तो फेज लाइन वायर निकाल के ये जो हमारा फैन है, ये हमारा फैन है, तो फैन का बॉडी में हमारा फेज लाइन आके इस तरीके से टच हो गया। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फैन आदमी यूज कर रहा है तो उसमें क्या शॉक लगने का उसको चांस रहता है। तो शॉक लग जाएगा तो क्या आदमी को नुकसान पहुंचेगा, नहीं तो जो हमारा आयरन प्रेस है, आयरन प्रेस में भी आप लोग देखा है जो हमारा प्लग रहता है, प्लग में हमारा क्या 3 पिन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपका बड़ा देखने के लिए मिलेगा, ये सबसे हमेशा आपका जो प्लग होगा नहीं तो आपका सॉकेट होगा उसका जो पिन होगा वो हमेशा आपका बड़ा रहेगा अर्थिंग का, और दोनों आपका एक फेज लाइन है और एक न्यूट्रल है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो आयरन प्रेस है उसमें हमारा 3 पिन इसीलिए दिया गया है, जो हमारा अर्थिंग होता है दोस्तों, अर्थिंग पे हमारे क्या लीकेज करंट आसानी से जमीन में पहुंच जाएगा, इसीलिए हमारा अर्थिंग यूज करना जरूरी है। तो अर्थिंग दोस्तों नहीं किया, मान लीजिए आप अर्थिंग नहीं किया तो आप इधर एक फैन यूज कर रहे हैं, नहीं तो आयरन प्रेस यूज कर रहे हैं, इसमें आपका अर्थिंग का वायर लगा नहीं है, तो अब क्या होगा, लीकेज करंट आपका जमीन में नहीं जा पाएगा, तो आदमी को शॉक लग जाएगा, तो आदमी को नुकसान पहुंचेगा। तो मतलब अर्थिंग नहीं करेगा तो आपको क्या नुकसान होगा वो मैं आप लोग को बताया। तो अर्थिंग करने का क्या फायदा, देखिए मान लीजिए आप जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल से आप 2 वायर लेके आए, एक हमारा क्या फेज लाइन है और एक हमारा फेज लाइन है और एक न्यूट्रल लाइन है। तो क्या हो गया, कभी कभी बीच में आपका क्या होगा, ये कभी आपका क्या होता है, जो आपका जो फेज लाइन है वो आपका आ रहा है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रल नहीं आएगा तो क्या आपका घर पे जो लाइट है वो आपका लोड शेडिंग हो जाएगा। तो उसी टाइम पे क्या होगा, आप अर्थिंग करके रखेगा घर पे, आप अर्थिंग करके पहले से रखा है, आप घर पे पहले से अर्थिंग करके रखा है, तो उसी टाइम पे आपको इस फायदा मिलेगा अर्थिंग का, क्योंकि आपका फेज लाइन आ रहा है तो आपको मालूम है जो हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग के बीच में और जो हमारा फेज लाइन के बीच में हम वोल्टेज चेक करेगा तो आपको 230 का आसपास आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो आपका क्या घर का जो इक्विपमेंट है, 230 वाला जो इक्विपमेंट है वो आपका चल जाएगा। तो आप इमरजेंसी में अर्थिंग को भी यूज कर सकते हैं न्यूट्रल के लिए।
तो आपका कुछ दिन चला जाएगा बाद में आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको आप रिपेयरिंग कर लेने का, नहीं तो आपका क्या लोड शेडिंग होकर रह जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर एक फायदा हो गया, कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट से वायर निकल के आ गया है तो न्यूट्रल नहीं आपको मिल रहा है, आप टेस्टर लगा के देख रहे हैं आपका घर पे खाली फेज लाइन आ रहा है, तो अर्थिंग का वायर डायरेक्ट जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उसमें आप जोड़ देने का। वो किस तरीके से जोड़ने का, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल है तो ये हमारा अर्थिंग है, तो इधर हमारा पहले से क्या जमीन से हमारा अर्थिंग ये हमारा कनेक्शन है, तो अर्थिंग के जो पिन है इधर से आप एक वायर लेके ये जो हमारा न्यूट्रल है इसमें आप इस तरीके से अंदर में कनेक्शन कर देगा, तो आपका इधर न्यूट्रल का जगह पे आपको अर्थिंग से ये न्यूट्रल मिल गया, मतलब ये हमारा क्या फेज और न्यूट्रल अभी हो गया, आपको 230 वोल्ट मिल जा रहा है, तो आपका जो इक्विपमेंट है वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कनेक्शन करेगा तो आपका इमरजेंसी पे आपका काम आ सकता है। तो अर्थिंग किसके लिए करना पड़ेगा, आपका इक्विपमेंट होता है जिसमें कि हमारा मेटल का बॉडी होता है, तो उसमें जो हमारा लीकेज करंट आता है उस लीकेज करंट आसानी से जमीन में पहुंच जाएगा, जो हमारा बॉडी में आदमी टच करेगा उसको शॉक नहीं लगेगा, उसके लिए आपको अर्थिंग करना जरूरी है घर पे। तो अर्थिंग आपको किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से आप एक घाटा खोदेगा, तो उसमें आप इस तरीके से जो हमारा पाइप आएगा तो उसको इस तरीके से आप पाइप को डाल देने का, उसके बाद आपको एक लेयर आपको नमक डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको चारकोल डालना पड़ेगा, इस तरीके से डालेगा, उसके बाद इधर से आप एक वायर लेके जो हमारा स्विच बोर्ड होगा स्विच बोर्ड का सॉकेट में जिधर आपका बड़ा वाला ये जो पिन दिख रहा है अर्थिंग के लिए इसमें आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि एक हमारा एन होगा और एक हमारा एल होगा, ये हमारा अर्थिंग होगा, तो एन का मतलब हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और जो हमारा फेज ये तो हम पहले से लेके रखा है कनेक्शन, आपको अभी बाहर से अर्थिंग कनेक्शन करना है, तो इस तरीके से आप अर्थिंग कनेक्शन कर देने का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट में आप लोग को दिखाई दे रहा है ये हमारा एन है, ये हमारा एल है और ये हमारा क्या अर्थिंग है, तो अर्थिंग का पिन देख रहे हैं कितना बड़ा है, अर्थिंग का पिन देख रहे हैं कितना बड़ा है, अर्थिंग का पिन दोस्तों इसीलिए बड़ा है कोई भी हम प्लग इसमें फिटिंग कर रहा है तो अच्छा से इसमें टाइट होकर बैठ जाएगा, इसीलिए इसका जो होल है इस वाला जो होल है अर्थिंग का पिन ये हमारा बड़ा होता है, और जो हमारा प्लग होता है उसका पिन भी हमारा बड़ा होता है, क्योंकि वो अच्छा से बन जाएगा। क्या होता है जो हमारा लीकेज करंट होता है वो आसानी से जमीन में चला जाएगा, मतलब पास हो जाएगा आसानी से, इसीलिए इस पिन हमारा मोटा बना गया है, आसानी से हमारा जो लीकेज करंट है वो जमीन में पहुंच जाएगा, इसीलिए इसमें जो होल है सॉकेट का होल वो भी बड़ा किया जाता है। और जो हमारा प्लग होता है प्लग का भी आप लोग देखा होगा जो हमारा पिन है जैसा आप लोग साइड में देख रहे हैं इस पिन भी हमारा मोटा रखा गया है, तो इसका एक फायदा हो गया। और दूसरा क्या फायदा है, कोई भी मान लीजिए टू पिन वाला आप प्लग यूज कर रहा है तो टू पिन प्लग इधर यूज किया तो आपका जो मशीन है इधर आपका वायर लटक रहा है तो आपका क्या लोड आ जाएगा, तो दो जो आपका पिन वाला जो प्लग होगा वो आपका निकल जाने का चांस रहता है, तो उसका जगह पे आप तीन पिन वाला जो आपका प्लग है वो यूज करेगा सॉकेट में, आपका अर्थिंग के लिए भी काम आएगा और वो प्रॉपरली फिटिंग हो जाएगा, तो आपका जो प्लग है वो आपका निकलेगा नहीं तो आपका लूज कनेक्शन भी नहीं होगा, और जो आपका सॉकेट होगा उसमें आपका कोई स्पार्क आने का चांस नहीं रहेगा, तो आपका जो सॉकेट है वो आपका तुरंत खराब नहीं होगा। तो अर्थिंग का पिन आपका जरूरी है, आप ऐसा थ्री पिन वाला जो हमारा सॉकेट है इस तरीके से आपको सॉकेट यूज करना है, आप टू पिन वाला जो हमारा सॉकेट आता है वो नहीं यूज करने का, क्योंकि आप थ्री पिन वाला सॉकेट यूज करेगा मैं आप लोगों को किस तरीके से फायदा बोल रहा हूँ, अर्थिंग करने का किस तरीके से फायदा वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अर्थिंग पिन इसीलिए दोस्तों हमारा होल इसका साइज बड़ा होता है, और इसमें जो हमारा वायर कनेक्शन किया जाता है उस वायर आप लोग देखने का। और दोस्तों मान लीजिए आपके घर पे आप अर्थिंग करके नहीं रखा है तो इमरजेंसी में आप क्या करेगा, तो आप घर पे आपका जो पाम रहेगा मतलब जो ट्यूल रहेगा हैंड पाम वाला जो हमारा ट्यूल रहता है उसमें हमारे एक मेटल का पाइप रहता है, तो उसमें से आप इमरजेंसी में उसमें आप अर्थिंग का वायर जोड़ के आप घर पे काम चला सकता है, लेकिन वो आपको ज्यादा दिन नहीं करना है क्योंकि वो इमरजेंसी में आप इस तरीके से कर सकता है, मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन इमरजेंसी में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपको अर्थिंग करना है तो प्रॉपर तरीके से आपको अलग से करना है, वो भी आपका मीटर का पास लेके आना है जो का आपका अर्थिंग का पिन होगा सॉकेट में उसमें आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना है, क्योंकि अर्थिंग आपका घर पे जरूरी है। तो अर्थिंग करने का क्या फायदा है और मैं आप लोग को बताया, नहीं करेगा तो उसमें क्या हमारा नुकसान हो सकता है वो भी मैं इस वाला वीडियो में आप लोग को बताया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम लोग सीखा है घर पे हमारा अर्थिंग किस तरीके से करना है, अर्थिंग क्या होता है, और अर्थिंग के बारे में और कोई आप लोग को जानकारी जानना है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर एक कमेंट करिए, तो मैं उसका ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो बनाएगा तो आपका पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना तक, अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।